गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने देवीपुर में बन रहे एम्स के भवन का निरीक्षण किया, साथ ही एम्स के डायरेक्टर को कई आवश्यक निर्देश भी दिया। वहीं मौके पर सांसद निशिकांत दुबे और एम्स के डायरेक्टर का क्या कहना है, आप भी देखिए। तो तैयार है और डायरेक्टर साहब ने डेट भी फिक्स किया था और मंत्री हर्षवर्धन जी जो है वो आने को तैयार भी हो गए थे, डेट भी तय हो गया था 18 अप्रैल। 17 अप्रैल को मधुपुर का इलेक्शन ख़त्म हो रहा था और 18 अप्रैल का एक डेट फिक्स था कि हम लोग इसका उद्घाटन कर लेंगे, लेकिन उस वक्त जो है यहाँ का जिला प्रशासन तैयार नहीं हुआ। किस कारण से तैयार हुआ नहीं पता, क्योंकि 17 तारीख को मधुपुर चुनाव खत्म होने के बाद 18 को आने से कोई चुनाव प्रभावित नहीं होता, लेकिन चुनाव आचार संहिता थी इस कारण से नहीं हुआ। उसके बाद से डायरेक्टर साहब लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं कि ये जल्दी से चालू हो जाए। मेरी भी वहाँ मंत्री हर्षवर्धन जी से और जो सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण जी, दोनों से बात हुई थी, क्योंकि बीच में कोरोना काफ़ी था। तो मेरा एक दूसरा ऑप्शन था कि OPD से पहले जो है कोरोना केयर का जो है कुछ बेड दे दीजिए जिससे हम चालू कर पाएँ, तो उस कारण से थोड़ा डिले हुआ। मंत्रालय से लगातार टच में हूँ और जो उम्मीद है कि जून में किसी भी दिन, मतलब 7 जून के बाद किसी भी दिन जो है ये OPD चालू होगी। एमपी साहब ने बताया, अभी खुद ही एमपी साहब ने इसका अवलोकन किया। एमपी साहब हमारे YD के मेंबर भी हैं, इनका समय समय पे उनको बड़े सकारात्मक सुझाव भी मिलते रहते हैं। हम लोग अभी इसको OPD की तरह शुरू करेंगे, जिसमें 14 स्पेशलिटी की OPD शुरू करेंगे, जिसमें सारे जो सामान्य विषय होते हैं जो भी एक आम जनता को ज़रूरत होती है, मेडिसिन, सर्जरी, स्त्री प्रसूति रोग विभाग, बाल विभाग, नाक कान गला विभाग, आँख के डॉक्टर, चर्म रोग के डॉक्टर, श्वास के डॉक्टर जो पल्मोनरी उसको कहते हैं, वो सारे लोग होंगे और वो रोज़ ही बैठेंगे, वो OPD रोज़ चलेंगी। और अभी कोविड काल को देखते हुए हम लोग हो सकता है शुरू में एक नंबर रेस्ट्रिक्ट रखें और धीरे धीरे जैसे जैसे कम होते जाएगा हम इसको बढ़ाते जाएंगे। और एक बार OPD शुरू हो जाएंगी उसमें हम लोग 15 बेड का एक, जैसे सर ने बताया कि अभी हम एक डे केयर सेंटर, किसी मरीज़ को 5-6 घंटे यदि निगरानी में भर्ती करना है उसको हम भर्ती कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम गहन चिकित्सा और जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं उनको भी भर्ती नहीं कर पाएंगे। न्यूज़ अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।